अच्छा ये बताइए, मैंने जो है सुना है, बहुत सारी भी ने वीडियो भी देखी है और बहुत सारे आदमियों से भी मैंने सुना है कि तलाबात वाले जो राइडर है वो 1 महीने में 5,000 6,000 दिरहम अर्निंग करते हैं। हाँ बेशक ये ऐसा है, 5,000 भी अर्निंग होती है, 6,000 भी अर्निंग होती है। तो हेलो दोस्तों, कैसे आपसे उम्मीद करता हूँ अच्छे से होगे। दोस्तों आज की जो वीडियो है ये एक बाइक राइडर का, इसमें हम इंटरव्यू करने वाले हैं, इनका एक्सपीरियंस आपके साथ में शेयर करेंगे और इनका जो भी अच्छाइयाँ है बुराइयाँ है आप, क्योंकि आजकल जो है मेरे को कॉमन हो गया, एक कमेंट बहुत ज़्यादा आ रहा है, बहुत ज़्यादा मैसेज मेरे को आ रहे हैं, बाइक राइडर की वीडियो लेके आइए, बाइक राइडर का इंटरव्यू लेके आइए। तो दोस्तों आपका भाई हाजिर है एक नई वीडियो में और साथ ही एक जो है बाइक राइडर का हम इंटरव्यू करेंगे। ये हमारे दोस्त है, 5-6 साल तकरीबन इनको दुबई के अंदर हो गए हैं काम करते हुए ऐसे बाइक राइडर। ये फूड डिलीवरी का काम करते हैं और तलाबात जो कंपनी है फूड डिलीवरी की, उसमें ये जो है जॉब करते हैं। तो चलिए मिलते हैं इनसे, करते हैं बातचीत और करते हैं इनका एक्सपीरियंस आपके साथ में शेयर। वीडियो में बने रहिए लास्ट तक, इसमें आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और बहुत कुछ आपको सीखने का मिलेगा। तो चलिए करते हैं इनसे बात। आप इनकी बाइक देख सकते हो, पल्सर बाइक ये चला रहे हैं। इंडिया में तो ये कॉमन है लेकिन यहाँ पे भी ये बहुत ज़्यादा चलती है। ये इनका पूरा सेटअप है, इनका ये टिफ़िन बॉक्स बोल सकते हैं जिसमें ये फूड लेके जाते हैं, और माशाल्लाह इनका हेलमेट भी बहुत अच्छे वाला देती है, ये हेलमेट भी तलाबात का ही है। तो दोस्तों ये है हमारे दोस्त, इनका नाम इन्होंने वैसे इनको बता दिया, मुंतजीर इनका नाम है और ये इंडिया से ही बिलोंग करते हैं। इंडिया से कहाँ से बिलोंग करते हैं, कहाँ ये इंडिया में रहते हैं पूछते हैं इनसे। तो कैसे हो भाई? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। तो इंडिया में कहाँ से हो? मैं इंडिया में दिल्ली साइड से हूँ। इंडिया में, ये दिल्ली के साइड। और सब बढ़िया, कैसा चल रहा है काम? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। कितना टाइम हो गया इसमें काम करते हुए आपको? मुझे काफ़ी साल हो चुके हैं, काफ़ी टाइम से मैं ये काम कर रहा हूँ। काफ़ी साल बोले तो कितना? 2-3 साल तो हो गए। अच्छा 3 साल हो गए हैं। तो दोस्तों इनको 3 साल हो गए हैं इसमें तलाबात में काम करते हुए, तो कैसा एक्सपीरियंस है आपका? बस ये तो आप ही बता सकते हो मेरा एक्सपीरियंस कैसा है, क्योंकि अब मैं क्या बताऊंगा मेरा एक्सपीरियंस कैसा है। लेकिन नहीं, आप इसमें काम कर रहे हो ना, इसलिए हम आपसे पूछ रहे हैं। नहीं अच्छा है, काम भी अच्छा है, सब कुछ सही है। सेफ्टी से बाइक चलाओ, सेफ्टी लगाओ, रूल्स फॉलो करो, सब कुछ करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब अच्छा है। अच्छा ये बताइए, तलाबात में क्या है, मतलब बेसिक सैलरी है या फिर पर डिलीवरी का हिसाब? तलाबात में कमीशन होता है, अच्छा एक तलाबात है, डिलीवरो है, नून है और करीम है, ये बहुत सारी कंपनी है। लेकिन अच्छा जो तलाबात है वो मतलब सबसे हाई लेवल पे है। तो तलाबात जो है वो फिक्स सैलरी नहीं देती, इसका कमीशन का हिसाब होता है। इसका कमीशन का ये हिसाब होता है, आपको एक पर डिलीवरी पे 7 दिरहम 50 फिल्स बचेगा, उसमें अच्छा तेल आपका है। यानी 7.5 रुपये पर डिलीवरी। हाँ तो कितना डिलीवरी कर देते हो दिन में को? ये तो देखो ऊपर वाले के हाथ में है, जितना ऊपर वाले ने रोज़ी लिखी है। कभी 10 होता है, कभी 15 भी हो जाता है, कभी 20 भी हो जाता है, कभी अच्छा, 10 भी नहीं हो पाता, ये तो ऊपर वाले के हाथ तो में है। यानी अगर क्या नाम, अभी आप जो है ड्यूटी पे ही हो ना? जी मैं ऑन ड्यूटी हूँ। सुबह से अभी तक आपने कितनी डिलीवरी करी है? मैंने अभी तक 60 डिलीवरी किया। तो सुबह से अभी तक आपने 60 डिलीवरी कर दी है माशाल्लाह, और अभी टाइम भी बहुत बचा हुआ है। कितना, जी 1 बज रहा है अभी, जी तो कितने बजे आप गए थे सुबह ड्यूटी? मैं 8 बजे रूम से। 8 बजे से 1 बजे तक 60 डिलीवरी आपने कर दी है, जी जी ठीक है। अभी और भी पूरा दिन बचा है। जी अभी मेरे ख्याल से तुम कितने बजे तक ड्यूटी करते हो, मैं कितने घंटे के शिफ्ट उठाते हो? पहले तलाबात का सिस्टम जो था वो ये था कि तलाबात में पहले आप कितना भी शिफ्ट उठा सकते हो, कितना भी ड्यूटी कर सकते हो। अच्छा लेकिन अभी तलाबात में, क्योंकि बहुत से राइडर्स ऐसे थे जो पूरा 24 आवर्स वर्क करते थे, काम करते थे, उनको सोने का ही नहीं पता था। तो अच्छा काफ़ी ऐसा हुआ इस बार का, इस साल में काफ़ी एक्सीडेंट हुए, तो अच्छा उसकी वजह से तलाबाद ने राइडर की सेफ्टी के लिए अभी शिफ्ट कर दिया कि मतलब आप 12 घंटे से ऊपर वर्क कर ही नहीं सकते। यानी 12 घंटे की शिफ्ट जो है फिक्स कर दिया तालाबाद ने। नहीं फिक्स नहीं कि आप 4 घंटे की उठा सकते हो, 6 घंटे की उठा सकते हो, मतलब मैक्सिमम आप कितना भी उठाओ लेकिन 12 से आप 12 घंटे से ऊपर का आप काम कर ही नहीं सकते, शिफ्ट नहीं उठा सकते। अच्छा तो इसमें ये बताइए, जैसे कि 7.5 रुपये पर डिलीवरी पे जो है आपको
तलबात देता है जी। इसमें जो आपकी जो ये बाइक है ये किसकी है, ये भी कंपनी ये है? ये बाइक कंपनी की है। अच्छा। और इसका जो जितना भी मेंटेनेंस होता है, ऑयल चेंज वगैरह जो भी कुछ खर्चा है इसका, हाँ, वो सब कंपनी का है। अच्छा अच्छा, इसमें पेट्रोल किसका है? पेट्रोल हमारा है। यानी बाइक कंपनी की है, पूरा मेंटेनेंस कंपनी का है, बस इसमें जो पेट्रोल जो लगेगा वो पेट्रोल आपका है जी, वो पेट्रोल हमारा। तो कितना पेट्रोल लग जाता है दिन में इसमें? पेट्रोल लग जाता है 20 दिरहम तक का पेट्रोल चला जाता है, 20-25। अच्छा, 20 दिरहम का पेट्रोल जो है इसमें लग जाता है जी। और अगर आप मेरे को ये बताना चाहोगे अगर के अगर आप 15 या 20 समझ लो कि 15 डिलीवरी पकड़ के चलो, अगर मैं डेली में 30 दिन तक 15 डिलीवरी रोज करता हूँ तो मेरी महीने में 450 ऑर्डर होते हैं, मेरी डिलीवरी। अगर आप महीने में 450 डिलीवरी करते हैं जी, तो मंथली आपको जो है सैलरी आपकी आएगी 3600 जी। तो 3600 में आपका जो है रहना भी है, खाना भी है और बाइक का पेट्रोल भी है, हैं? तो ये सब निकाल के आप जो है कितना सेव करते हो सैलरी में? तो बस आप ये लगा लीजिए कुछ भी नहीं तो कम से कम 700 रुपये तक, 600-700 तो मैं मतलब लास्ट में बता रहा हूँ, कुछ 700 तो नॉर्मल मतलब है, जो 700 रुपये तेल महीने में लगता है बाइक के अंदर। अच्छा, 700 रुपये तेल लग गया महीने का जी, और प्लस खाना। अब राइडर का काम ऐसा होता है कि वो रूम से खाना लेके नहीं जा सकता, क्यों? क्योंकि उसको ऑर्डर रखना होता है गाड़ी के अंदर, तो उससे ये खतरा होता है कि यार मैं जो अपना पर्सनल खाना लेकर आया हूँ वो खुल ना जाए, जिसकी वजह से ऑर्डर ना खराब हो जाए या कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है, तो इसलिए हम तो यानी अगर क्या नाम मैं मोटा मोटा करूं, क्योंकि मैं भी आउटडोर ही रहता हूं, बाहर ही रहता हूं, मेरा भी ऐसा ही होता है कि मैं खाना नहीं ले जा पाता, तो मैं बाहर जो खाना खाता हूं मेरा भी 400-500 दिरहम महीने का आ जाता है, तो क्या आपका भी इतना जाता होगा? 500 दिरहम तो नॉर्मल है, आना ही आना है लाजिम। अगर बाहर खाना खाओगे तो 500 दिरहम से नीचे खाना खा ही नहीं सकते इधर। मुंतजिर भाई, आपका जो है 700 तो पेट्रोल का निकल गया जी, और 500 उसमें खाने का आ गया जी, तो कितना हो गया 1200 जी। ठीक है, फिर उसमें आपका रूम भी है, रूम का कितना निकल रहा? रूम का कहीं पे रूम 500 में है, कहीं पे 600 में। अभी आपका कितना है? मेरा 500 में है। तो 500 दिरहम का बेड स्पेस हो गया, तो ये तो 1700 दिरहम हो गए जी। तो आपको यानी 3600 में से 1700 निकाल दो, ये 1900 दिरहम बचता है फिर आपको। बस वही मैं बताया ना, मैं आपसे पहले ही क्या बोला, जो बोलते हैं ना कि हम 6000 कमाते हैं, हम 7000 कमाते हैं, यार ऐसा कुछ नहीं है कि 6000 है 7000 है। यार ये भी तो बताओ ना कि उसमें से हमारा खर्च कितना हो रहा है, हम टोटली जो तुम्हारी सैलरी आ रही है तुम वो बता रहे हो, और वो 6000-7000 वाला भी वो जमाना चला गया, अभी किसी का 6000-7000 नहीं आता, वो 6000-7000 तब आता था जब लोग 24-24 घंटे काम करते थे, ना खाना खाते थे ना रूम पे सोने के लिए जाते थे, ऑर्डर नहीं आ रहा तो रात को उधर ही सोगा इधर आधर कहीं पे, ऑर्डर आया उठ के चल तो दी। दोस्तों आपने जो है और भी बहुत सारी वीडियो देखी होगी यूट्यूब पे, और उसमें आपको जो है ना दिखाया गया है, मैं भी देखता हूँ कि बहुत से वीडियो में जो है दिखा रहे हैं 5000-6000 दिरहम मंथली कमा रहे हैं। ठीक है, तो रियलिटी क्या है वो तो जब किसी से बात करेंगे तो तभी पता लगता है, हाँ भाई क्या रियलिटी है, कितना जो है वो कमाते हैं और कितना वो बचा लेते हैं। तो ये भाई जो है 3 साल से इसमें तलाबाद में काम कर रहे हैं, इनका जो सैलरी है कितना ये मंथली अर्न करते हैं और कितना ये खर्चा करते हैं सब कुछ आपको आपके साथ में इन्होंने शेयर किया है। हालांकि चाहते तो ये भी कुछ बढ़ा चढ़ा के बता सकते थे, बट भाई ने पहले ही मेरे को वीडियो में बोल दिया था, जब मैंने इनको बोला कि तुम्हारे साथ में एक वीडियो बनानी है, तुम्हारा एक इंटरव्यू करना है, तो भाई ने मेरे को शुरू में ही बोल दिया था कि भाई देखो वीडियो तो बना लो, मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर आप मेरे को कुछ बढ़ा चढ़ा के बोलने के लिए बोलोगे तो मैं वो नहीं बोलूँगा, मैं जो रियलिटी है जो सच्चाई है वही मैं आपको बताऊँगा। तो मेरे को ये भाई की बात बहुत अच्छी लगी, मैंने कहा यार यही तो हम चाहते हैं, हम तो रियलिटी दिखाना चाहते हैं, जो हमारी ऑडियंस है जो हमारे सब्सक्राइबर है, हम तो उनको ओरिजिनलिटी दिखाना चाहते हैं, रियलिटी दिखाना चाहते हैं। तो ये भाई की मेरे को बहुत अच्छी लगी बात और भाई से मैंने बात जो है करनी स्टार्ट करी। तो मुंतजिर भाई, अगर हमारे जो भाई लोग हैं, हमारे जो यार दोस्त है, जो हमारे सब्सक्राइबर है, जो हमारे आपकी जो ये वीडियो देखेंगे, उनको आपको क्या मैसेज देना चाहोगे अगर वो दुबई आना चाहते हैं और आके जो है बाइक राइडर की जॉब करना चाहते हैं,
तो उनके लिए आपके आपके पास क्या मैसेज है? उनके लिए ये मैसेज है, रोजी तो ऊपर वाले के हाथ में है, बिल्कुल ठीक है ना। अगर कोई भी आना चाहता है, कोई भी यहाँ पे है जो दुबई के अंदर ऑलरेडी है, ये तलाबात में या कहीं पे किसी और भी कंपनी में जाना चाहता है, कंपनी कोई ख़राब नहीं, कंपनी सब अच्छी है, लेकिन जो ये कॉन्ट्रैक्टर लोग होते हैं ना, उनसे बस थोड़ा बच के रहे, क्योंकि कुछ कॉन्ट्रैक्टर ऐसे होते हैं कि पैसा ले लेते हैं, हम वीज़ा लगाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, और वो लोग बंदे को फंसा के रखते हैं।